एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप रिएक्शंस। तो गाइस, आज जो मैं सॉन्ग सुनने वाली हूँ वो है चैन-के का। और ये जो सॉन्ग है ये बिल्कुल न्यू सॉन्ग आया है, अभी एक दिन हुआ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं चैन-के का किसी सॉन्ग पे रिएक्शन दे रही हूँ जो कि जस्ट अभी ही आया हो, क्योंकि अभी तक जितने भी सॉन्ग्स पे मैंने रिएक्शन दिया वो सब काफ़ी टाइम पहले से आए हुए थे और मैंने अब देखे फिर उसके बाद उन पर रिएक्शन दिया। तो ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट ही आया है और सॉन्ग का नाम है तुझे मारूं। और इसमें साथ में है दानियाल अकरम एंड राहब मुनीर। तो इन दोनों को मैंने अभी तक नहीं सुना है, ये फर्स्ट टाइम ही है जब मैं सुनने वाली हूँ। उर्दू रैप है, ऑफिशियल ऑडियो है, वीडियो नहीं है ये। तो देखते हैं कि इस सॉन्ग के अंदर क्या मैसेज है, क्योंकि हर बार उनके हर एक सॉन्ग के अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है। तो देखते हैं कि इस सॉन्ग के अंदर क्या मैसेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे मारो, मुझे पीटो, मेरे जिस्म को घसीटो, मेरी रूह तक को जला दो, मुझे अपना तुम बना लो, अपना तुम बना लो। ये काली रातों की परछाई में तू किसके साथ लगी रजाई में, तुझे गलत सही ना दिखाई दे, अपने तू जमीर को कैसे सफाई दे। सुन मैं रोऊं घर वालों से छुपकर, मर क्योंकि रो नहीं सकता खुलकर, दिल बसनी मेरा घुट घुट कर, बदला बदला खून का तल तू कुल पड़, मुर्दा तू अंदर से, ये बात तो जाहिर थी, बातों से पूरी तू लगती थी काफिर सी, नंगी दो मर्दों के आगे तू हाजिर थी, झूठी मकार तू मकारी में माहिर थी, बाप से तेरे मैं ज्यादा कमाऊंगा रुक, तू तेरे घर वाले बीमार है जानती है, खुद तू भाई कुत्ती है मेरी, जरा ठीक से झुक, तू सर इधर कर, तू अपना मैं चेहरे पर थूकूं। तेरी रूह तक मैं जला दूं, तुझे अपना मैं बना दूं, तेरी खुशबू को मैं पा। गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस बारी जो मतलब सॉन्ग है, म्यूज़िक है, जो हुक लाइन है, जिस तरीके से किया गया है इसको तैयार, वो बिल्कुल अलग है। इंटेंस जिसे कहते हैं ना, म्यूज़िक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी तक उन्होंने इसके अंदर ये बताया है कि एक मतलब वो पर्टिकुलर किसी फीमेल के बारे में बता रहे हैं कि हाँ कि फीमेल इस टाइप की फीमेल्स कैसी होती हैं, या उसके इसको पॉइंट आउट किया गया है। आगे देखते हैं। काम किया है। चल मुझे भी बता मेरी खराबी थोड़ी, गुस्से से डरना ये नेचर मर्दों की, सॉरी मेरी जान मेरी भूल, डरी तो नहीं मारता हूँ पर हड्डियाँ तो नहीं तोड़ी, मार मार के सारे भगा दूंगा डर तेरे, पट्टा बांधे गर्दन पर चल, तेरे थप्पड़ पड़ेगा लगे दान, अगर तेरे हलक तक लेकर जा कतरे ने गल, मेरे दरवाजे बंद फरिश्ते गवाह, बीमार मैं बीमार कोई दे दे दवा, औरत के साथ जब मैं बेपरवाह तब जमीर मेरा चीखे आदम और हवा, हाँ जमीर मेरा चीखे दिमाग मेरा उलझे, क्यों अल्लाह ने हवा पैदा किए, पूछे क्या आदम के हवा पे हाथ कभी उठे, तू भाग जाओ इससे पहले मैं फिर तुझे मारूं, तुझे पीटूं, तेरे जिस्म को घसीटूं, तेरी। हैट्स ऑफ है चैन-के को, इस बार वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना डिफरेंट टाइप का मैसेज लेकर आया है। खैर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले पूरे सॉन्ग को सुन लेते हैं। तेरी खुशबू को मैं पालूं, को मैं पालूं, तेरी खुशबू, तेरी खुशबू से एक मैसेज आ जाता है। मुरवतों में जो दे दिया है मैंने तुमको अपना सब कुछ, कुछ होश के नाखून ले लो, मुझे यूं ना धकेलो, यूं ना तुम धकेलो। गाइज दिस इज़ अ मास्टरपीस ऑफ Chen-K, क्योंकि अभी तक के मैंने जितने भी Chen-K के सॉन्ग सुने हैं ना, ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसको सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इतना बढ़िया है। अगर आप बात करोगे मैसेज की, मैसेज अच्छे से दिया गया है, कन्वे हुआ है और समझ में आया है। दूसरी चीज़, अगर आप बात करोगे वोकल्स की, स्ट्रॉन्ग। अगर आप बात करोगे वॉइस की, वो भी स्ट्रॉन्ग। म्यूज़िक, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है दानियाल अकरम ने और किसने, राहब मुनीर ने, उनको, जो कि मैं दोनों को ही फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। बहुत बेहतरीन है। अगर आप वॉइस की बात करोगे ना, जो लास्ट में आई है इनकी, इसकी मुनीर की जो वॉइस आई है, मतलब उसमें इतना पेन है और उसको जस्टिफाई कर रहा है ये जो सॉन्ग है, जो इस सॉन्ग की जो एक रिक्वायरमेंट है ना कि हाँ इसको इस टाइप की वॉइस चाहिए, वो उसको प्रॉपर जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि एकदम पेनफुली तरीके से वो बोला गया है, वो लाइंस बोली गई हैं, हिट कर रही हैं, हुक लाइंस ज़बरदस्त, जिस तरीके से म्यूज़िक चेंज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बेहतरीन लगा। और अगर मैं Chen-K की बात करूँ तो भाई साहब मुझे समझ में नहीं आता बंदा कहाँ से आया है, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आप जो चीज़ें सोचते हो, जो फैक्ट्स हैं, जो होते हैं एक्चुअल में, हर कोई इस बारे में बात नहीं करता है, उसके बारे में आप जो आप सोच रहे हो आप उसको वीडियो के थ्रू एक आगे आप लोगों के आगे रख रहे हो। दूसरी चीज़, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो उसको उसी तरीके से सामने प्रेजेंट भी हो और बुरा ना लगे, वो किसी गलत वे में ना चला जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत अच्छे तरीके से करा गया है। और एक चीज़ मैं श्योरली बोलूँगी कि ये सॉन्ग फर्स्ट टाइम में एग्जैक्ट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जितना ये डिफ़िकल्ट तरीके से बोला गया है ना और स्पीड में बोला गया है और एक चीज़ की बात नहीं करी गई है, इसमें दो चीज़ों की बातें की गई हैं, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने में। मैंने जितना सुना है, जितना मुझे समझ में आया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताना कि कहाँ तक मैं पहुँची हूँ या आप लोगों को क्या समझ में आया है कि कहाँ तक ये है जो सॉन्ग है, मैं कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक ये सच है, कि आपको क्या लगता है कि Chen-K ने क्या बताने की कोशिश की है। क्योंकि जिस तरीके से जो थंबनेल है, थंबनेल के हिसाब से दिखाया गया कि एक वुमन है, एक जो पुतला है टूटा हुआ है, तो मतलब एक औरत जो टूटी हुई है, उस तरीके से बात की गई है। लेकिन इस सॉन्ग के अंदर सबसे पहले बात करी गई है मेल की, कि किस तरीके के नहीं, फीमेल की बात कही है सबसे पहले कि फ़ीमेल किस तरीके की होती हैं, जो भी जो फर्स्ट पैराग्राफ था या आप लोगों ने जो भी सुना कि किस टाइप की फ़ीमेल होती हैं, उनके बारे में Chen-K ने बोला कि तू क्या है, तू क्या करती है, ये वो। फिर उसके बाद जब अगला वर्ष आता है तो उसके अंदर बात करी गई है मेल की, कि हाँ एक बंद कमरे के अंदर क्या क्या होता है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं ना जो सबको पता होते हैं, कोई भी नहीं बोलता, लेकिन ये फैक्ट होते हैं। तो वैसे ही बोला गया है कि मेल कैसे ट्रीट करते हैं, कुछ मेल, सबके बारे में बात नहीं की गई है, कुछ मेल्स होते हैं जो कैसे ट्रीट करते हैं एक औरत को, और उस दर्द के बारे में बात की गई है। और इसीलिए जो एंड में जो मैंने आपको बताया कि वो जो पेन है वो समझ में आ रहा है, और जो हुक लाइन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। प्रॉपरली मैं इस बात को नहीं आप लोगों को बता पाऊँगी कि हाँ एग्जैक्ट क्या क्या बोला गया है, लेकिन जब आप सॉन्ग सुन रहे होंगे, जो कि आप आई एम श्योर पहले भी सुन ही चुके होंगे ये रिएक्शन देखने से पहले, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कहा गया है। लेकिन हाँ, समझना इसको मुश्किल है, लेकिन 2-3-4 बार जब आप सुनोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया है कि दो तरीके की बात की गई है, दोनों तरफ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो इस टाइप के भी होते हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो इस टाइप की भी होती हैं। तो इसको, इस थिंकिंग को वो आगे रखा गया है कि हाँ ये सच्चाई, एक ये सच्चाई भी है कि समाज में इस टाइप के भी लोग हैं। तो Chen-K को सल्यूट है, ये बिल्कुल मास्टरपीस है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि यही चीज़ है जिसकी वजह से Chen-K सबसे अलग है। मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि सबसे अलग है, क्योंकि वो बोलने से पहले सोचते नहीं है कि हाँ मेरे को ये बोलना चाहिए या नहीं, वो एग्जैक्ट बोल देते हैं। तो गाइज़ ओवरऑल यही था मेरा इस सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन। आप लोग बताना कि मैं कहाँ तक ठीक हूँ या आप लोगों को क्या समझ में आया है। और गाइज़ अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइज़ मिलेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।